तो आम मतदाताओं की राय क्या है मुद्दे के, यहाँ आपने सुने किसी के लिए शिक्षा मुद्दा है, किसी के लिए हिजाब भी चुनाव में मुद्दा है, महंगाई से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा भी जनता के जहन में, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा दिन यहाँ पर निकल रहा है। बिल्कुल, आयुष जैसी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बातें हो रही है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रही है। लोगों से बात भी, हमारे साथी जो हर मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए थे वो लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, तो सुरक्षा की व्यवस्था ये एक बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है और इसको लेकर मतदान भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है लेकिन लोगों में उत्साह भी मतदान को लेकर है। औरैया जिले में भी लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। इस बीच औरैया सदर सीट पर बाबरपुर कस्बे में वोट डालने के लिए दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी पहुंची और वोट के अपने अधिकार का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दूल्हा दुल्हन मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, सहरा बांधकर दूल्हा। यही लोकतंत्र के महापर्व की अजब गजब तस्वीरें हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, दूल्हा वोट डालने अपने दुल्हन के साथ में पहुंचा हुआ है, लोकतंत्र का महापर्व है। लगातार हम तस्वीरें हर बूथ से देख रहे हैं, कोई व्हील चेयर से मतदान करने के लिए पहुंच रहा है तो कोई शादी के बाद अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहा है, अपनी दुल्हन के साथ में पहुंच रहा है। बिल्कुल, और ये एक जागरूक मतदाता के तौर पर मतदाताओं को जागरूकता के लिए संदेश वाला पहलू है, जहां पर कोशिश यह है कि प्राथमिकता आपकी रहे कि मतदान, जो कि 5 साल में एक मौका आपके पास आएगा अपनी सरकार चुनने का, अपना विधायक चुनने का, और अगर आप जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो फिर सवाल पूछने का हक आपको नहीं। वही जालौन में शादी के बाद नई नवेली दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची, वोट डालने के बाद दुल्हन ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान से जुड़ी जिम्मेदारी हर नागरिक को निभानी चाहिए। और इसी जिम्मेदारी के चलते उरई विधानसभा के तुलसीनगर पोलिंग बूथ पर दुल्हन ने वोट डाला है। ये तस्वीरें हैं, देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र के महापर्व के दिन लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह की तस्वीरें हम लगातार सुबह से भी दिखा रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर लोग किस तरह से इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले मतदान बाद में संस्कार, यही मेरा कहना है। बाकी ये है कि चाहे कोई भी आपका इम्पोर्टेंट फंक्शन हो या कुछ भी हो, पर लोकतंत्र के लिए और संविधान के प्रति अपनी ड्यूटी को सबसे पहले निभाना चाहिए। तो वहीं फिरोजाबाद में दूल्हा दुल्हन ने वोट किया है, विदाई से पहले शादी के कपड़ों में दोनों मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरें ये देखिए कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन को अपने कंधों पर बिठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंचा था और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अलग अलग इलाकों से कुल जो 16 जिले हैं, कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर शादी के दिन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना, इन जिम्मेदार मतदाताओं की तरफ से जिम्मेदारी निभाई गई, अपना कर्तव्य निभाया गया। और न्यूज स्टेट भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इसी तरह से आप भी जागरूक मतदाता बनिए। अभी भी शहरी इलाकों के वोटर जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट सर लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र सर, कुछ इलाकों में स्पेसिफिक अगर बात की जाए कि जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहां पर अग्रेसिव वोटिंग इस चरण में भी दिख रही है, जो पहले 2 चरण थे वहां पर भी ये ट्रेंड हमने देखा था, क्या मायने इसके, क्या इशारा इसका? देखिए, पहले फेज की चुनाव के लिए और दूसरे चरण के चुनाव में भी ये कहा गया था कि यहाँ बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन है, बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण है, लेकिन जब चुनाव का वोट परसेंटेज सामने आया तब ऐसा कोई खास अधिक मतदान देखने में नहीं आया। कानपुर शहर में जो सीतामऊ क्षेत्र है, जो आरनगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस इलाके में मुसलमानों की आबादी सघन है, तो इस इलाके में ऐसा हो सकता है कि यहाँ का और ज्यादा मतदान हो रहा हो। और वैसे मेरा जो पूर्व का अनुभव है, इस इलाके में सदैव एग्रेसिव वोटिंग हुई है और मुसलमानों की वोटिंग एक तरफा ही होती रही है, इसलिए 7-8 दिसंबर चुनाव, ये 8वां चुनाव है 91 से लेकर अब तक, तो ये ऐसा ही ट्रेंड वहां रहा है। और तीसरे चरण में एक भी ऐसा अन्य जिला नहीं है, कह सकते हैं फर्रुखाबाद शहर है या कायमगंज है या फतेहगढ़ है जहां मुस्लिम आबादी घनी है, बाकी इस पूरे चरण में 59 सीट में ऐसा कोई अन्य क्षेत्र नहीं है कानपुर के सिवा जहां मुसलमानों की घनी आबादी हो। और पूरे प्रदेश में ये माहौल तो मुसलमानों में है ही और लगभग पिछले 3 दशकों से है कि मुसलमानों के सामने एक ही विकल्प रहता है उन्हें